अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने जो पहला लेक्चर दिया था, मैंने उसमें आपको इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन करी थी, सही है। तो आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊंगा इंडक्टेंस का, और उसके बाद कैपेसिटेंस, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हम चले जाएंगे। मैं आपको लेक्चर नहीं दे सका, पिछले वीक में दो लेक्चर होने थे। एक तो मैंने आपको बताया था मेरे बेटे की तबीयत नहीं सही थी, दूसरा मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो इस वजह से मैं लेक्चर बना नहीं सका। तो ये अब मैं फॉर्मली कोशिश करूँगा कि इस वीक में तीनों के तीनों लेक्चर आपको डिलीवर कर दूँ। एनी वेज, मैंने जो स्लाइड्स हैं वो अपलोड की हुई हैं, ये इसमें क्या नाम है, सी यू ऑनलाइन में, अगर आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक नहीं तो फिर अगर कहते हो तो मैं इस क्लासरूम वाले में भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने जो ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा, हमने कहा कि भाई ट्रांसमिशन लाइन के तीन चार पैरामीटर्स हैं, आर, एल, सी और जी, ठीक है। और जो हमने पैरामीटर आर सबसे पहले देखा, उसके बाद एल को देख रहे थे, और उसके बाद सी को इन देखेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं इंडक्टेंस जो ट्रांसमिशन लाइन की है। हमारे पास इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो ये मैंने आपको पीछे पिछले पहले भी बता दिया था, तो इधर से ये आगे मैं कंटिन्यूशन में आगे ले जाऊँगा। तो ये दो कंडक्टर हैं ए और बी, और उनके दरमियान में जो म्यूचुअल इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्शन है उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो वोल्टेज ड्रॉप्स बेस बन जाती है, टू एल यानी कि लेंथ आ गई, आर प्लस जे 0.2794 लॉग 10 डी एम ओवर डी एस इंटू आई। टू एल बेसिकली क्या है कि लेंथ क्योंकि डबल हो जाती है, आर और जे एक्स एल ये क्योंकि सीरीज कंपोनेंट आते हैं, तो जे एक्स एल यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है बुक में आपके पास अवेलेबल है, अगर हम में से किसी ने देखनी हो तो मैथमेटिकल डेरिवेशन वहाँ से देखी जा सकती है, ठीक है। उसकी बेस पे हमारे पास ये एल आ गया, एल अगर हमने नेचुरल लॉग में लेना है तो वो आ गया, और इस तरह लॉग टू द बेस 10 उसके अंदर एल आ गया, सही है। और उसी तरह 2πfL पे हमने XL कैलकुलेट कर लिया। जब हमने कहा कि भाई तीन कंडक्टर हैं और तीनों कंडक्टर के दरमियान में अगर इक्वल डिस्टेंस है तो हम D ही कंसीडर करेंगे, अगर तीनों कंडक्टर्स के दरमियान में डिस्टेंस डिफरेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लेंगे, तो तीनों डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक इक्वलेंट डिस्टेंस आ जाएगा, जिसकी बेस पर फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक हो गया। और अगर इक्वलेंट डिस्टेंस, हम चाहते हैं कि हमारी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे इंडक्टेंस इक्वल अपीयर हो, तो वो एक ही सूरत में हो सकती है कि हम तीनों फेजेस के ट्रांसपोज करते रहें, ताकि जो इंडक्टेंस है उसका बिहेवियर टू थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन तीनों फेजेस में इक्वल इंडक्टेंस अपीयर हो। तो ट्रांसपोज किस तरह करते हैं, हम ए को बी से, बी को सी से, और सी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गई के जो है, जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आती है तो उसके अंदर बेसिकली कोरोना इफेक्ट आ जाता है। कोरोना क्या है कि जो हमारे पास जब करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में से, तो उसके इर्द गिर्द जो एयर होती है वो चार्ज हो जाती है, और वो चार्ज होने की वजह से लीकेज करंट होता है, उसे हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं, सही है। अब कोरोना इफेक्ट को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि हम दो कंडक्टर्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ा दें ताकि कोरोना इफेक्ट ना हो, सही है। तो बल्कि ये कोरोना आजकल जो डिजीज़ भी आई हुई है, इसका भी हल यही है कि दो बंदे अगर किसी को कोई मसला है तो वो आइसोलेट हो जाए, सही है ना, डिस्टेंस बढ़ा दें। एनीवेज, कोरोना इफेक्ट जो है हमारे पास आ जाता है, उस कोरोना इफेक्ट को हमने मिनिमाइज़ करना हो तो हम क्या करते हैं कि एक फेज़ की बजाय, एक फेज़ में एक वायर की बजाय दो या तीन वायर से हम ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज को, ताकि हम कोरोना इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर दें, सही है ना। उसमें तीन स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं, सिंगल वायर एक स्टैंडर्ड जो कॉमन यूज़ हो ही रहा है, उसके अलावा जो है ना बाकी तीन स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक टू वायर सिस्टम है, एक थ्री वायर सिस्टम है, और एक फोर वायर सिस्टम। कोशिश ये होती है कि हर कंडक्टर के दरमियान में, पहला तो चीज़ ये कि हर कंडक्टर का डायमीटर सेम हो, दूसरी चीज़ मटेरियल सेम हो, तीसरी चीज़ ये कि हर कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही रहे, ताकि मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, और फिर उसके बाद जो इंडक्टिव इंडक्टेंस की अपीयरेंस है वो कम से कम हो। तो डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इसके स्पेशल फ्रेम्स होते हैं,
अगर दो कंडक्टर हैं तो उसका भी स्पेशल फ्रेम है, तीन कंडक्टर हैं तो उसका भी स्पेशल फ्रेम है, और चार कंडक्टर हैं जो स्पेशल फ्रेम थ्रू आउट द आपका ट्रांसमिशन लाइन लगे होते हैं, और उन फ्रेम्स की बेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और उनकी बेस पे अगर हम इंडक्टेंस बंडल ऑफ कंडक्टर की बेस पे अगर हम देखें तो सिंगल कंडक्टर के लिए आर आ गए, टू कंडक्टर हैं तो हमारे पास आर स्क्वेयर डी स्क्वेयर आ गए, यानी कि एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर से जो इम्पैक्ट है उसकी बेस पे आर स्क्वेयर डी स्क्वेयर आ गए। इसी तरह तीन कंडक्टर हैं तो आर क्यूब डी रेज पावर सिक्स, क्योंकि एक कंडक्टर पे दो कंडक्टर का इम्पैक्ट पड़ता है तो उसकी पावर जो हो जाती है वो स्क्वेयर बन जाती है एट दी एंड, अगर हम क्यूब की फॉर्मेशन में लिखें तो सिक्स बन जाती है, यानी वे आर डी स्क्वेयर क्यूब रूट आ जाता है। अच्छा है, इसी तरह अगर हम मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास दूसरा कंडक्टर है, और ये हमारे पास तीसरा कंडक्टर है। अगर इन दोनों के दरमियान में देखो एक कंडक्टर उसे का इन्फ्लुएंस और दूसरे कंडक्टर का, यानी कि अगर मैं एक कंडक्टर पे देखूँ तो एक कंडक्टर पे बी कंडक्टर का इन्फ्लुएंस और एक कंडक्टर पे सी कंडक्टर का इन्फ्लुएंस होता है, सही है ना। तो उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी डी ही रहता है। जबकि अगर मैं चार कंडक्टर की बात करूं तो एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर और चार कंडक्टर की बात करूं तो हमारे पास जो इन्फ्लुएंस बनता है पहले कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर पे, पहले कंडक्टर का तीसरे कंडक्टर पे और पहले कंडक्टर का चौथे कंडक्टर पे। अब ये देखो ये तो डी ही बन गया ना, इसी तरह ये भी डी बन गया, जबकि ये वाला है ये अंडर रूट टू टाइम डी बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो उस वजह से यहाँ पे आपके पास अपीयर भी हो जाता है अंडर रूट टू की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास बंडल ऑफ कंडक्टर की फॉर्मेशन में आ जाते हैं। इसी तरह मैंने आपको ये बताया था कि ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स जो यूज़ होते हैं हमारे पास ए सी एस आर में, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं। इसमें एलुमिनियम आ गया और स्टील आ गया, इसी तरह आउटर आउटसाइड का रेडियस आ गया, इसी तरह डी एस आ गया जो आपके पास जैसे ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस आ गया वो आपके पास आ गया, इसी तरह रेजिस्टेंस आ गई हर कंडक्टर के अकॉर्डिंगली। ये स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड पे कंडक्टर बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल तीन कंडक्टर के साथ है, आप देखो तो दो कंडक्टर का आपस में डिस्टेंस सेम है, यानी कि 6 मीटर और 6 मीटर है, जबकि तीसरे कंडक्टर का जो डिस्टेंस है वो कोई 11.4 है। तो जब हम 11.4 है तो जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूल लेके इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डबल सर्किट्स की बात करते हैं, तो डबल सर्किट में क्या होता है कि हम एक ही जगह पे करंट ट्रांसमिट करने के लिए या वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए हम टारगेट ये करते हैं कि दो ट्रांसमिशन लाइन जाए, यानी कि एक पोल पे दो ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप ऑब्जर्व भी करो तो हर पोल पे एक राइट साइड पे ट्रांसमिशन लाइन जा रही है लेफ्ट साइड पे, और टारगेट ये होता है कि दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटरेक्शन ना हो, सही है ना। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म आता है, यानी कि अगर ये मेरे पास ये पोल है, ये मेरे पास पोल है और ये पोल के क्रॉस आर्म्स हैं, तो ये आपके पास एक 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 साइड पे ये तीन फेजेस जा रहे हैं और दूसरी साइड पे ये तीन फेजेस जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अलग अलग आप देखो तो एक ही पोल पे दो ट्रांसमिशन लाइन ट्रैवल कर रहे हैं, सही है ना। इनको डबल सर्किट कहते हैं, और कोशिश ये होती है कि इन दोनों का आपस में इन्फ्लुएंस ना हो, मैग्नेटिक इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टेंस हमारा क्लियर हो जाता है। अब आ जाती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में हम देखें तो जिस तरह हमने इंडक्टेंस में बात की थी, हमने कहा था दो कंडक्टर हैं और उन दो कंडक्टर्स के दरमियान में इंटरफेरेंस हो रही है, तो उसकी वजह से जो है या तो सेल्फ इंडक्शन होगी या म्यूचुअल इंडक्शन होगी। जबकि अगर मैं कहूँ कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस क्या है कि दो कंडक्टर है जिसमें से बेसिकली चार्ज फ्लो कर रहा है, और उन चार्ज फ्लो की वजह से अगर कोई लीकेज फ्लक्स हो जाता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिंकेजेस की वजह से, तो वो जो लीकेज हो जाता है वो कैपेसिटेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो अब हम अगर एक जनरल बात करें कि ये हमारे पास ए कंडक्टर है और ये हमारे पास बी कंडक्टर है, तो इन दोनों के दरमियान में चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, या एक लाइव वायर है एक न्यूट्रल वायर है, तो एक कंडक्टर का डायमीटर रेडियस आर है, दूसरे का आर है, दरमियान में डिस्टेंस डी है, तो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो रही है उस वो कैपेसिटेंस बन रही है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बोलें तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, टू मेटेलिक प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, ये हमारे पास कैपेसिटर की डेफिनेशन बनती है। तो आप देखो कि दो कंडक्टर हैं और सेपरेट हो गए हैं डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो वो कैपेसिटेंस वाला बिहेवियर करते हैं। तो जब कैपेसिटेंस वाला बिहेवियर करते हैं तो जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी से फार्मूला बन जाता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V,
सही है, और उसको मैथमेटिकली डराइव करते हैं तो जो डेरिवेशन बनती है वो हमारे पास ये कुछ बन जाती है वोल्टेज के रिस्पेक्ट से, मतलब 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय बेल नेचुरल लॉग डी स्केयर ओवर आर ए प्लस आर ए इंटू आर बी, और अगर आर ए और आर बी इक्वल है तो ये आर स्क्वेयर बन जाएगा, और आर स्क्वेयर डी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया जाए तो 2 टाइम LnD ओवर आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन आ गए, तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये जो परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल होती है ये एक्सटेंडेड है, और आर क्या है, ये इर्द गिर्द वाले मटेरियल्स के अकॉर्डिंगली होती है रिलेटिव परमिटिविटी। जो रिलेटिव परमिटिविटी इस केस में हमारे पास होगी वो एयर होगी, और एयर की रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास 1 के इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है, सही है। तो अब हम कैपेसिटेंस देखें तो सी जो निकलता है वो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल जाता है, अगर हम लॉग टू द बेस 10 की फॉर्मेशन में देखें और अगर हम नेचुरल लॉग की फॉर्मेशन में देखें तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल आता है, ठीक हो गया। सही है, इसकी डेरिवेशन अगर आपने देखनी है तो बुक में है, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि भाई ये हमारे पास अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन फॉर एग्जाम्पल फेज़ 1 है फेज़ 2 है, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर अगर हम कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली देखें तो हम कहते हैं भाई CN है, यानी कि फेज़ 1 का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, फेज़ 2 का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, और फिर कंबाइन होके इनका कंबाइन इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम कहें कि भाई फेज़ 1 का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल वो 2 टाइम CAB है, इस तरह फेज़ 2 का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल 2 टाइम CAB है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, जब कैपेसिटर सीरीज में हो जाता है तो वो पैरेलल रेजिस्टेंस के तौर पे तनाव वर्क करता है, तो ये 1 प्लस 1 ओवर C 1 ओवर C हो जाएगा, यानी कि 1 ओवर XC 1 ओवर XC की फॉर्मेशन में जब ऐड होगा तो एट द एंड जो 2 टाइम है यो 2 मल्टीप्लाई होके एक दूसरे से डिवाइड होके एट द एंड CAB आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास CAB, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट से अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास XC अगर निकालना है तो वो 2 पाई FC करके हम निकालेंगे, और 2 पाई FC बुक ने जो किया हुआ है वो 60 हर्ट्ज़ के लिए किया हुआ है, तो ये XC की वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसी तरह BC जो है आपके पास ससेप्टेंस की वैल्यू वो ओमेगा C, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ XC होता है, तो वो ओमेगा C BC की वैल्यू ये आ जाती है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले, ठीक है। और करंट अगर हम देखें तो करंट क्या होगा कि ये जो XC के क्रॉस जो वोल्ट इसकी इम्पिटेंस होगी मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज करेंगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास करंट है, ठीक। और 3 फेज में जब हम बात करें तो 3 फेज में क्या होता है, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, दरमियान में क्या होगा डी जो डिस्टेंस है, और सेंटर वर्चुअल सेंटर बन जाता है न्यूट्रल के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे फिर वही इंडक्टेंस वाली बात होती है, अगर जो है डिस्टेंस सेम है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो खाली डी ही लिखेंगे, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर हम डी इक्वलेंट बनाएंगे। डी इक्वलेंट क्या होगा, हम तीनों डिस्टेंसेस को लेके उनको मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब रूट लेंगे तो डी इक्वलेंट हमारे पास आ जाएगा, दो डी इक्वलेंट के क्रॉस फिर हम CN को निकालेंगे, ठीक हो गया। और फिर वही बात आ गई कि भाई अगर मेरे पास सिंगल कंडक्टर है तो सिंपल DS=R हो गया, 2 कंडक्टर हैं तो ये हमारे पास √RD हो गया, 3 कंडक्टर हैं तो वो RD का स्क्वायर क्यूब रूट हो गया, 4 कंडक्टर हैं तो ये हमारे पास R√2D³⁴ यानी कि √ आ जाएगा, 4 टाइम्स का रूट आ जाएगा, सही है ना। ये बंडल ऑफ कंडक्टर में हमारे पास मैकेनिज्म आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास लाइन कॉन्स्टेंट आ गए, यानी कि ये XL आ गया, इसी तरह ये हमारे पास XC आ गया, ठीक हो गया। और ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, 3 फेज 60 हर्ट्ज़ ट्रांसपोज लाइन हैज़ ए कंडक्टर दैट आर मेड ऑफ अप टू 4x07 स्ट्रैंड कॉपर एट पोल टॉप, द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर सेंटर टू सेंटर आर 6.8 5.5 और 4 फीट, द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज 0.1739 डिटरमाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेस, सही है ना। ये वही चीज़ है जो हमने पहले की हुई, तो पहले इक्वलेंट डी इक्वलेंट निकाला, फिर उसके बाद XL के फॉर्मूले में इसे डाला, XL निकल आई, ठीक है। और XL निकलने के बाद हमने क्या किया कि ये जो है वो फिर उसके बाद ये टेबल वाली फॉर्मेशन है, टेबल वाली फॉर्मेशन को आप छोड़ दें क्योंकि ये अपेंडिक्स में बुक में है, वो टेबल के इक्वलेंट भी आपने निकाल लें, ठीक हो गया।
अब यही चीज हो गई कि कंसिडर द पोल टॉप कॉन्फिग्रेशन गिवन इन एग्जाम्पल 4.5। इफ द लाइन लेंथ इज 100 माइल, डिटरमिन द शंट रिएक्टेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग। अब हमारे पास वो एक्सी का फार्मूला आ गया, तो एक्सी का फार्मूला हमारे पास उसका 0.06836 लॉग डेल्टा टेन डी एम ओवर आर करती है, तो ये हमारे पास एक्सी आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो जाए। ठीक, इसी तरह अब यहाँ पे कैलकुलेट आर एंड एल एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल पर फेज ऑफ 3 फेज लाइन हैविंग वन कंडक्टर पर फेज एंड ऑपरेटिंग एट 60 हर्ट्ज। ईच कंडक्टर इज ए सी एस आर ड्रैग हुज जी एम आर और डी एस इन द टेबल 4.1 और डी एस इज इक्वल टू 1.136। द फेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ये हमने पहले की हुई है, सही है। तो यहाँ से अगर आप डी इक्वलेंट निकालें तो डी इक्वलेंट हमारे पास निकला है, डी एस पहले गिवन है, डी एस को जब हमने किया उसके बाद हमने एल को निकाला और एल से एक्स एल निकाला और टेबल से हमें आर गिवन हो गया, सही है। अब यहाँ पे कैलकुलेट द सी कैपेसिटेंस एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ एक्सी 60 हर्ट्ज के लिए। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज के लिए निकाली तो डी इक्वलेंट आपके पास आ गया, ठीक है, इसी तरह डी एस आ गया। अब यहाँ पे टेबल में आपने देखना है कि टेबल में दो किस्म के अलग अलग डी एस है, एक डी एस है ये, जबकि एक डी एस है ये, एक आउटसाइड रेडियस है और एक जनरल ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस है। ये दो अलग अलग चीज़ें, इन दोनों को अलग अलग टेबल के अकॉर्डिंग लिया आपने, सही है। सी निकाला और सी निकाल के फिर एक्स सी निकाल, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्लियर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ गया बंडल ऑफ कंडक्टर, सॉरी, रिपीट किया एग्जाम्पल 4.2 को। इफ द लाइन हैज़ टू सब कंडक्टर पर फेज एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट 50 सेंटीमीटर। अब हर फेज में जो है वो दो दो कंडक्टर जा रहे हैं, इस फेज में भी और इसी तरह इस फेज में भी और इसी तरह इस फेज में। जो फेज का आपस में डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, जबकि फेज का क्या नाम है, एक बंडल ऑफ कंडक्टर में आपस में जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, सही है। डी इक्विवेलेंट निकाला, डी इक्विवेलेंट के बाद डी एस निकालने के लिए फिर फार्मूला चेंज हो गया, सही है। उसी तरह फिर एल निकाला, एक्स एल निकाला, टेबल से आर निकाल ली, सही है। और आर जब निकलेगा तो जो आर निकला उसे डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो क्योंकि दो कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं तो वो हाफ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कैपेसिटेंस निकाल लिया तो फिर डी इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है, और यहाँ से हमने डी एस निकाला जो गिवन था उसके लिए, ठीक है, उसे यहाँ सी निकाला और सी निकाल के हमने एक्स सी निकाल ली, ठीक हो गया। ये हमारे पास बंडल ऑफ कंडक्टर में हमने चीज़ अंडरस्टैंड की, ठीक है। अब वही बात आ गई, डबल सर्किट अगर आता है तो एक साइड पे एक पोल के एक साइड पे ए बी सी आ रहे हैं, दूसरी साइड पे फिर ए बी सी आ रहे हैं। अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये आपस में एक दूसरे के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, अगर डिस्टेंस कम है तो फिर इनका आपस में डिस्टेंस या कपलिंग के साथ उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी बस कोशिश पूरी होती है कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का मतलब यही होता है कि आपस में डिस्टेंस को इस तरह रखा जाए कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना करें। अब क्योंकि कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस में एक और हमारे पास इन्फ्लुएंस आ जाता है, वो इन्फ्लुएंस आ जाता है कि भाई हम कहें कि भाई अर्थ का इन्फ्लुएंस, सही है। अब कैपेसिटेंस है क्योंकि हमारे पास अगर कंडक्टर की बेस बनाई जाए तो कंडक्टर 1 आएगा, कंडक्टर 2 आएगा, कंडक्टर 3 आएगा। जो कंडक्टर 3 है, जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अर्थ के साथ भी उसको एक एरिया मिल जाएगा, ग्राउंड का ना, न्यूट्रल मिल जाएगा। जो फिजिकली अगर हम डेल्टा कनेक्शन में जाते हैं या वाई कनेक्शन में जाते हैं तो फिर हमारे पास अर्थ एज ए वर्चुअल न्यूट्रल होती है। वो न्यूट्रल मिलने की वजह से उनके दरमियान में भी कैपेसिटेंस आ जाती है, जो कैपेसिटेंस सी एन की फॉर्मेशन में हमारे पास शो होती है, सही है। अब हमारे पास कोशिश ये होती है कि जो ये वर्टिकल डिस्टेंस बनता है ये इतना ज़्यादा हो, यानी कि हम इसको इतना इंक्रीज़ कर दें कि जो अर्थ की कंडक्टिविटी है या अर्थ की वजह से जो कैपेसिटेंस हो रही है वो निग्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको याद होगा जब हमने ट्रांसमिशन लाइन के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत पैरामीटर्स की तरफ गए थे तो उसके अंदर हमने 5.5 मिनिमम डिस्टेंस की बात की थी कि अगर 5.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस हो पोल का
तो फिर जो है इनके दरमियान में कैपेसिटेंस नहीं होती या इनके दरमियान में डिसरमेंस नहीं होती अर्थ की वजह, अलबत्त इससे कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। सही है, तो ये आप देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास बंडल ऑफ कंडक्टर है, आपके पास आ रहे हैं टू कंडक्टर सिंगल फेज के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। इसी तरह ये देखो ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन या पोल है, तो एक साइड पे ए बी सी और दूसरे पे फिर दोबारा ए बी सी, तो ये डबल सर्किट वाली फिनोमिना पे चले। सही है, तो ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बंडल ऑफ कंडक्टर में कॉम्पोनेंट्स के बाहर भी आप देखो तो आपको ये वाली पिक्चर नज़र आ जाए। ठीक है, अब आगे ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग, मैंने बार बार बड़ी दफ़ा ये बात की थी और हमारी इंट्रोडक्शन टू पावर इंजीनियरिंग में भी हमने बात की थी कि हमारे पास तीन किस्म के मॉडल होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। अगर डिस्टेंस थोड़ा है तो हम उसे कहेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। सही है, तो डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन लाइन के डिस्टेंस को कहा हुआ है। ठीक है, तो अब जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो हम कहते हैं कि हमने ट्रांसमिशन लाइन को जब हमने देखना है तो ट्रांसमिशन लाइन में चार ही पैरामीटर हैं, एल आर सी और जी, चार पैरामीटर्स हैं। तो हम कैलकुलेशन में पर यूनिट की बेस बनाते हैं, और पर यूनिट क्या बनती है, हम कहते हैं पर यूनिट लेंथ होनी चाहिए, यानी कि एल है तो पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ या तो मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी या माइल में होगी। इसी तरह आर है तो वो भी पर यूनिट में आएगा, सी वो भी पर यूनिट में आएगा, और जी वो भी पर यूनिट में आएगा। ठीक है, आर एल सी और जी, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बनता है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, अब इस ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करूँ तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये हम कहते हैं कि 50 माइल्स या 80 किलोमीटर से जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है उनको हम शॉर्ट कहते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा होता है तो वोल्टेज कम हम से ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि वोल्टेज का लेवल बहुत बड़ा नहीं करते, और वोल्टेज का लेवल कम करने की वजह से एडवांटेज क्या मिलता है, एडवांटेज ये मिलता है कि दो कंडक्टर्स के दरमियान में जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है जो हमारे पास कैपेसिटेंस की फॉर्मेशन में आ रही थी वो इतनी हाई हो जाती है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्शंस इतनी हाई हो जाती है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाए तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट में एक आर आ जाता है और दूसरा एक्सएल आ जाता है, जबकि हमारे पास एक्स ही नहीं आता। सही है ना, तो वो पैरामीटर में हम मॉडल्स में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं रहते। सेंडिंग एंड वोल्टेज की बात की जाए तो हम कहते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, अगर हम थ्री फेज की बात करें तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, VS डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री और VR डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री। अगर आइडियली कहा जाए तो हम कहते हैं R और XL की वजह से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर की अपनी एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से इसका जो क्या नाम है वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप को जब हम निकालेंगे तो हम बेस ये बनाएंगे कि वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन में इंपैक्ट कर रहा है। सही है ना, तो फिर हमें एक पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा वोल्टेज रेगुलेशन हमारे सिस्टम की क्या है। सही है ना, तो बेसिक फार्मूलाज में जाएं तो हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो ये एक सिंगल सर्किट बन रहा है। ठीक है ना, सिंगल सर्किट बन रहा है, तो अब सिंगल सर्किट में आप बात करें तो एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि जो सेंडिंग एंड करंट है और जो रिसीविंग एंड करंट है दोनों सेम है, तो करंट हमारे पास सेम हो गया। सही है, अब सेंडिंग एंड हम अगर वोल्टेज की बात करें तो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है आर और एक्सएल के दरमियान में वो दोनों का वोल्टेज निकालेंगे तो हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज आ जाएगा। अगर मैं वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली देखूं तो ये हमारे पास बन जाती है, एक वेक्टर बन जाता है जो रिसीविंग एंड वोल्टेज का जो जीरो फेज डिफरेंस में आता है, उसी तरह रिसीविंग एंड का जो करंट होता है ये डिपेंडेंट होता है लोड पे। अगर आपके पास लैगिंग लोड है तो ये नीचे की तरफ है, अगर लीडिंग लोड है तो ये ऊपर की तरफ है, तो ये लोड आ गया। सही है ना, और इसके साथ जब हम आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा सेम एंगल पे रहेगा। ठीक है ना, और इसके रिस्पेक्ट से ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, ये हमारे पास आर आई आर एक्स एल आ गया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये
एक्स वी एस आर, ठीक है। और हमारे पास दो किस्म की पावर है, एक पावर को हम कहते हैं एक्टिव पावर और दूसरी पावर को हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को अगर हम लिखें तो वो पी क्यू के फॉर्मेशन में लिख देते हैं। पी क्यू, पी क्या है, पी इज इक्वल टू पी आर सेंडिंग एंड, पी इज इक्वल टू पी आर प्लस 3 I² R, इनके लॉसेज ड्यू टू आर। और क्यू क्या है, क्योंकि रिएक्टिव है तो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस 3 I² XL, लॉसेज ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट, सही है ना। और वोल्टेज रेगुलेशन देखें तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी कि रिसीविंग एंड वो वाले वोल्टेज जब आपके सिस्टम में कोई लोड नहीं लगा हुआ, और रिसीविंग एंड वो वोल्टेज जब सिस्टम में लोड लगा हुआ, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सिस्टम में डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड लोड, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है। और एफिशिएंसी निकालें तो क्या होगा, रेशियो बिटवीन रिसीविंग एंड पावर ओवर सेंडिंग एंड पावर, ये हमारे पास एफिशिएंसी निकल जाती है। अगर हम फिजिकली ड्रॉ करें तो हम कहते हैं दो किस्म के, या तो हमारे पास सिस्टम में इंडक्टिव लोड होगा और या फिर हमारे सिस्टम में कैपेसिटिव लोड होगा। अगर इंडक्टिव लोड होगा तो वी आर तो 0 डिग्री पर रहा, और इंडक्टिव लोड की वजह से आई आर जो है वो लैगिंग में चला गया, तो आई आर इंटू आर इसके 90 डिग्री पे, आई आर इंटू एक्स एल। और ये जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है वी एस, ठीक है। जबकि सेंडिंग एंड पे अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें तो कैपेसिटिव लोड का मतलब करंट क्या होगा, करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा तो उसी करंट के एंगल पे हमारे पास आई आर बन गया, ठीक है। उस आई आर के साथ ये हमारे पास आई एक्सएल बन गया, इन दोनों को कंबाइन किया तो वी एस बन गया। अब एंगल्स की बात कर लें तो आप देखो जो एंगल बेसिक एंगल बन रहा है वी आर और वी एस के दरमियान में, उसको हम कह रहे हैं डेल्टा। जबकि हम करंट के अकॉर्डिंगली देखें तो ये जो आई आर या आई एस का वी एस के दरमियान में बना है वो उसे हम कह रहे हैं थीटा एस, और इसी तरह करंट का रिसीविंग एंड के अकॉर्डिंगली बन रहा है तो उसे थीटा आर कह रहे हैं, सही है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान में भी रखनी, सही है। और इसको आप कैलकुलेट करें बेसिक्स में तो आप देखें कि हमारे पास वी एस क्या बन जाएगा, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा जे साइन थीटा इंटू आर प्लस जे एक्स है, क्योंकि आई के साथ जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट दोनों आ रहे हैं। और अगर मैं इसको रिसीविंग एंड वोल्टेज की बात करूं तो ये करंट उधर जाके माइनस में चला जाएगा। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो रियल कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वेयर अंडर रूट लें तो इसका वोल्टेज आ जाएगा। और डेल्टा को निकालें तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा एस माइनस थीटा आर, इन दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा बन जाता है। तो डेल्टा को वैसे कैलकुलेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी ओवर रियल करें तो डेल्टा हमारे पास आ जाता है, ठीक हो गया। अब आप इसको अगर ए बी सी डी की फॉर्मेशन में लेंगे, ये बात आपने थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जब हम एक सिस्टम बनाते हैं हम कहते हैं ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। इस ब्लैक बॉक्स में एक ये इनपुट आ रही है, ये एक इनपुट आ रही है, और इसी तरह ये एक आउटपुट आ रही है और ये आउटपुट आ रही है। मैंने इसकी एक इक्वेशन बनानी है कि इनका रिलेशन इनपुट का आउटपुट से क्या है। तो हम कहेंगे भाई इनपुट पे वोल्टेज जा रहा है और इनपुट पे करंट जा रहा है, आउटपुट पे वोल्टेज जा रहा है और आउटपुट पे करंट जा रहा है। इनपुट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज। इसी तरह इनपुट पे जो करंट जा रहा है वो क्या है, सेंडिंग एंड करंट। आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। और आउटपुट पे जो करंट जा रहा है वो क्या है, रिसीविंग एंड करंट। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान में रिलेशन निकाल लूँ तो वो ए बी सी डी के फॉर्मेशन में फॉर्म निकल जाए। तो रिलेशन क्या निकलता है, वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज इजिकल टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला बना है। और जबकि करंट की बात करें तो हम कह रहे हैं करंट जो है आई एस आई आर के इक्वल है। अब हम फॉर्मेशन क्या बनाते हैं, हम कहते हैं कि जो वी आर के साथ पैरामीटर है उसे हम कहते हैं ए, जो हमारे पास आई आर के साथ पैरामीटर है उसे हम कहते हैं बी। इसी तरह जो हमारे पास इस केस में आई एस के केस में जो वी आर के साथ पैरामीटर होगा उसे हम सी कहेंगे, और जो आई आर के साथ पैरामीटर होगा उसे हम कहेंगे डी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी और डी, ठीक है। अब ए बी सी डी को हम देखें तो हमारे पास ये क्या बन गया, वी एस इज इक्वल टू ए बी सी डी वी आर आई आर। ये आपने काम जो है कंट्रोल में भी किया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो ए क्या बन रहा है, ए यहाँ पे क्या बन रहा है वन, बी क्या बन रहा है जेड, सी क्या बन रहा है
सी हमारे पास क्या बन रहा है, जीरो, क्योंकि वी आर के साथ कोई कंपोनेंट है ही नहीं। और डी क्या बन रहा है, वन बन रहा है, सही है ना। ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, और ये हमारे पास डी बन गया, सही है ना। तो अब हम इसको फिजिकली तौर पर लिखें तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्वेशन बन जाती है वो ये बन जाती है। जबकि हम अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज को निकालें तो इसका इन्वर्स निकालेंगे। इसका इन्वर्स किस तरह निकलेगा, इसका मोड आएगा, सही है, और इसके इन दोनों की रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि ये वाला पैरामीटर एक दूसरे से स्वैप करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो ये दोनों स्वैप किए तो वन वन ही स्वैप किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इन दोनों के साइन माइनस में चला गया, ठीक है, बी एस आई एस हो गया, वी आर आई आर के लिए, सही है ना। तो ये दो इक्वेशंस हमने हमेशा याद करनी है, अगर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो हम ए बी सी डी की फॉर्मेशन में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं। अलबत्त एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें तो क्या होगा, पावर रिसीविंग एंड की पावर, रिसीविंग एंड की पावर, सही है, ओवर सेंडिंग एंड की पावर, सही है ना, इन 200 कर दें तो हमें एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ रही है, ठीक हो गया, सही है। तो हमारे पास एफिशिएंसी बनती है आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट हमारे पास क्या बन रही है, रिसीविंग एंड की पावर, लॉसेस क्या दूसरी क्या बन रही है, रिसीविंग एंड की वोल्ट पावर डिवाइड प्लस लॉसेस। तो ये हमारे पास सिंगल फेज में बन रहा है, और थ्री फेज में लॉसेज होते हैं वो 3 टाइम आई स्क्वायर आर हो जाते हैं, तो ये लॉसेज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास बेस खत्म हो जाती है। एक एग्जांपल भी है, 3 फेज 60 हर्ट्स ओवरहेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ लाइन टू लाइन वोल्टेज 23 किलो वोल्ट एट रिसीविंग एंड एंड अ टोटल इम्पिडेंस ऑफ 2.48 + j 6.57 पर फेज एंड ए लोड ऑफ 9 मेगावाट विद रिसीविंग एंड वो लैगिंग पावर फैक्टर 0.85। तो आप देखो रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या बना कि भाई लाइन टू न्यूट्रल लगाना तो वी आर डिवाइड बाई अंडर रूट 3 आ गया। तो हमारे पास वोल्टेज जो गिवन वोल्टेज था उसका एंगल हम प्रैक्टिकली तौर पे 0 कंसीडर करते हैं, तो डिवाइड बाई अंडर रूट 3 किया तो ये हमारे पास रिसीविंग एंड का वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल आ गया। करंट हमने निकालना था तो करंट क्या निकलेगा, टोटल पावर, ये जो हमने पावर ली हुई थी, पावर डिवाइडेड बाय हमारे पास वोल्टेज इंटू अंडर रूट 3 इंटू पावर फैक्टर, ठीक है, इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उसकी उसके कंपोनेंट्स आ गए रियल प्लस इमेजिनरी, पावर के अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट के एंगल आ जाएगा, क्योंकि करंट का एंगल हमारे पास वो कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्मेशन में हमारे पास करंट का एंगल आ जाएगा। तो वो हमारे पास ये आई बन रहा है, सही है ना, क्योंकि जो पावर फैक्टर होगा वही करंट का एंगल होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें करंट के साथ थीटा लिखना पड़ता है, तो वो रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्मेशन में हमने लिख लिया, सही है। यहाँ पे आ गया आई जेड हमने निकालना है, तो जो करंट हमारे पास निकला हुआ है उसको जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट जेड हमारे पास गिवन था, तो ये हमारे पास आई जेड निकला है, ठीक है, सही है। अब लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज निकालना है सेंडिंग एंड, तो हमारे पास क्या हुआ कि सेंडिंग एंड वोल्टेज जो हुआ रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस आई जेड किया, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया वी एस सेंडिंग एंड, सही है ना। और सेंडिंग एंड वोल्टेज के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है कि लाइन टू न्यूट्रल और लाइन टू लाइन में जो फेज डिफरेंस हमने निकाला तो वो हमारे पास 30 डिग्री का डिफरेंस बनता है, वो 30 डिग्री हमने ऐड कर लिया, तो 30 डिग्री ऐड करने से हमारे पास बन गया 34.4 वोल्ट, वो 34.4 एंगल डिग्री में एंगल बन गया, सही है ना। और अब वोल्टेज रेगुलेशन हमने की, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड ओवर रिसीविंग एंड इनका मैग्नीट्यूड माइनस किया, तो ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आई 11.5%, ठीक है। अब आ गई हमारे पास म्यूचुअल इंपिडेंस। म्यूचुअल इंपिडेंस क्या होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सर्किट से आते हैं, एक ये एक्स की फॉर्मेशन में है, उसकी आर और सी है, आर और एल है, और एक वाई की फॉर्मेशन में, तो इन दोनों का आपस में इंटरफेरेंस बनेगी, तो एक दो एक इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन बना वो जेड एक्स वाई बन गया, एक बना जेड एक्स एक्स माइनस एक्स वाई और जेड वाई वाई माइनस एक्स वाई, ये आपके पास कम्बाइंड फॉर्मेशन बन गया, सही है ना। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर के मैकेनिज्म में हम गए तो ट्रांसफार्मर अगर 1:1 गया तो ये ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंगली ये एक साइड आ गई ट्रांसफार्मर की, यानी कि जेड एक्स वाई आ गए,
दूसरा यानी कि ट्रांसफार्मर की एक साइड पे इम्पीडेंस आ गई और ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड पे इम्पीडेंस आ गई, यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड की इम्पीडेंस। अब ये एक जनरल सी एग्जांपल है छोटी सी। अज्यूम द म्यूचुअल इम्पीडेंस बिटवीन द टू पैरेलल फीडर इन 0.9, यानी कि म्यूचुअल उसने 0.9 प्लस जे 0.3 पर फेज। सेल्फ इम्पीडेंस ये दी हुई है, यानी कि एक्स एक्स दी हुई है और एक्स वाई वाई दी हुई है। तो ये ना एक्स एक्स भी हमारे पास गिवन है, वाई वाई भी गिवन है और एक्स वाई भी गिवन है। तो हमने क्या निकाला है, एक्स एक्स माइनस एक्स वाई, वाई वाई माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास निकली। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास म्यूचुअल के अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट बन जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाती है, ये वही बात आ गई कि भाई अगर हम कहेंगे लाइन गिवन इन 4.2 इज 60 किलोमीटर लॉन्ग एंड सप्लाइड अ लोड ऑफ 100 मेगावाट एट 0.8 पावर फैक्टर एट लोड ऑफ 230 kV डिटरमाइन द सेंडिंग एंड करंट वोल्टेज पी क्यू पावर फैक्टर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक है, ये आप देखो तो ये वही एग्जांपल बनती है कि 6 मीटर 6 मीटर और 11.4। सही है, तो ये हमारे पास एक्सएल की कैलकुलेशन आ गई जो हमने एग्जांपल 4.4 में की थी, ये एक्स ई की कैलकुलेशन आ गई, ये हमारे पास आ गई और ये आर आ गए हमारे पास। ठीक है, ये आर 60 किलोमीटर में कि जो आर हमारे पास आई है टेबल की फॉर्मेशन में उसको 80 से 60 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि लेंथ 60 है। इसने जो एक्सएल आई है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसी तरह कैपेसिटेंस जो आई है उसको डिवाइडेड बाय 60 की, तो ये कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस आप देखो 5K है, इसके रिस्पेक्ट में ये देखो तो ये ओम्स में आ रही है, तो मतलब क्या है उसको पैरेलल में सर्किट जो मिलेगा वो इन्फिनिटी के अकॉर्डिंगली मिलेगा, यानी कि ये बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में, यानी कि 4.8 का अगर 5000 से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बड़ी। सही है, तो अब हमारे पास क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज हमने निकाला, इसी तरह पी आर निकाली, तो पी आर क्या हमारे पास निकलेगी, यानी कि जो हमारे पास एक्टिव पावर है तो वो डायरेक्टली पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक्टिव पावर मिल गए। आई आर निकाला, तो आई आर क्या निकला कि ये हमारे पास करंट आ गया, जो हमारे पास करंट है और 0.8 पावर फैक्टर है उसके अकॉर्डिंगली आई आर निकला है। सही है, और यहाँ पे हमारे पास जो है आई आर और आई एस दोनों इक्वल होते हैं शॉर्ट में, ये इस वजह से इक्वल आ गए। वी एस निकाला, तो वी एस क्या निकलेगा, वी एस निकलेगा वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस रिसीविंग एंड करंट इंटू जेड, तो ये हमारे पास वी एस निकल आएगा। ठीक है, वी एस हमारे पास आ गया, तो अब हमने पी एस निकालना है और पी क्यू एस निकालना है। पी एस हमारे पास क्या निकलेगा, यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय आई थे 3 टाइम आई स्केयर आर का, इसी तरह पावर वी ए आर वाली पावर मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम जो है आपके पास रिएक्टिव पावर, तो ये एक्टिव में आ गई, ये रिएक्टिव में आ गई, तो और फिर उसके बाद सेंडिंग एंगल कॉम्प्लेक्स पावर जो हमारे पास बनेगी वो पावर हमारे पास ये बन गई, यानी कि पी प्लस क्यू हमारे पास बन गई एस। ठीक है, और सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकाला, तो ये हमने इन दोनों की रेशियो निकाली, टेन इनवर्स के साथ इन दोनों की रेशियो निकाली और उसके साथ हमने कॉस को निकाला, तो ये हमारे पास सेंडिंग एंड पावर फैक्टर बन। वोल्टेज रेगुलेशन निकाली, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकाले। जिस तरह ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकाली, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या निकली हमारे पास, सेंडिंग एंड पावर रिसीविंग एंड पावर डिवाइडेड बाय सेंडिंग एंड पावर, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकले। ठीक हो गया, अब फिर वही एग्जांपल हमारे पास रिपीट हुई 0.5 मीटर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, 0.5 मीटर के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस उसी तरह ही है, एक्सएल है एक्स ई है आर निकल आई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास निकल आई क्या नाम है, एक्सएल निकल आई और एक्स ई निकल आई। ठीक है, और एक्स ई इस केस में भी बहुत बड़ी, उसे इग्नोर कर दें। सही है, बाकी आप देखो तो यहाँ पे फिर कैलकुलेशन उसी तरह की उसी तरह ही है, सिर्फ फर्क यहाँ पे पड़ा है कि यहाँ पे आर जो थी वो 0.8 की फॉर्मेशन में हमने लिखी थी, जबकि यहाँ पे आर जो है वो हाफ होगी, तो 0.4 की फॉर्मेशन में हमने लिखी थी। ठीक हो गया,
तो यहाँ पे फिर बाकी उसी तरह की कैलकुलेशन करके हमने उसकी एफिशिएंसी निकाली, उसका सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकाला, उसकी वोल्टेज रेगुलेशन निकाली, ठीक हो गया। यहाँ तक तो हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू, जजाक अल्लाह, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।